नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किए घर में गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन करते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जिस दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को कथा सुनानी शुरू की थी, उस दिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि थी। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने आंखें बंद कर ली थी और गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक कथा सुनाते रहे और गणेश जी लिखते रहे। 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि एक जगह बैठकर लगातार लिखते लिखते गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया है। ऐसे में वेद व्यास जी ने गणपति को ठंडक प्रदान करने के लिए ठंडे पानी में डुबकी लगवाई, जहाँ पर वेद व्यास जी के कहने पर गणपति महाभारत लिख रहे थे, वहाँ पास ही अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। जिस दिन सरस्वती और अलकनंदा के संगम में वेद व्यास जी ने गणपति को डुबकी लगवाई, उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। यही वजह है कि चतुर्थी पर स्थापित होने के बाद गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।